पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शिक्षा माफिया यूपी बोर्ड परीक्षा पर हावी है। बलिया में पेपर लीक के बाद अब मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा तहसील के एक इंटर कॉलेज में 26 सॉल्वर गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए सॉल्वर में 2 बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र भी शामिल हैं। उन्हें हिरासत में लिया गया है। ठाकुरद्वारा के बीएस इंटर कॉलेज कुआखेड़ा में सॉल्वर से पेपर कराने की शिकायत डीएम मुरादाबाद से की गई थी। डीएम ने जांच के लिए एक टीम कॉलेज भेजी थी। परीक्षा केंद्र पर सामान्य रूप से परीक्षा चलती हुई मिली, जबकि परीक्षा केंद्र की दीवार से सटे हुए बीएस डिग्री कॉलेज के कमरे में कुछ लोग कॉपियां लिखते मिले। चेक करने पर पता चला कि वे सभी यूपी बोर्ड का बुधवार को चल रहे अंग्रेजी का पेपर सॉल्व कर रहे थे। पुलिस ने वहां से 26 लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी सॉल्वर बताए जा रहे हैं। सामूहिक नकल की सूचना पर डीआईओएस अरुण कुमार दुबे ने टीम के साथ छापेमारी की। बीएस इंटर कॉलेज पूर्व ब्लॉक प्रमुख का है। पुलिस ने अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक सुभाष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज दोनों ही एक प्रबंधन कमेटी के बताए जा रहे हैं। इस दौरान मौके पर पुलिस अधीक्षक देहात विद्यासागर मिश्र, उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह, डिप्टी एसपी अनूप सिंह, कोतवाली प्रभारी मोहित चौधरी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, बीएस इंटर कॉलेज यहाँ कुआखेड़ा खालसा में है, ठाकुरद्वारा थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ के बारे में एक प्रातःकाल सूचना मिली दूरभाष पर कि यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पर कुछ लोगों की कापियाँ लिखी जा रही हैं। इस सूचना पर डीआईओएस और उनके साथ जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम थी वो मौके पर तत्काल पहुँची और वहाँ पर जाने पर पाया गया कि वहाँ पर एक कमरे में 15 बच्चों की 15 कापियाँ लिखी जा रही थी और वो लोग थे जो परीक्षार्थी नहीं हैं। और वहाँ पर इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पहुँचकर इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया है और जो भी इसमें अभियुक्त हैं उन सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही, प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही और जो इसमें दोषी होंगे, जो गैंग बनाकर इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से हम इस बात को भी प्रोसेस करेंगे कि क्या NSA की कार्रवाई के लिए इनके लिए उपयुक्त तो नहीं है। अगर ऐसा उपयुक्त पाया जाता है तो उस कार्रवाई को भी करने में कोई हिच नहीं होगी। और निश्चित रूप से मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि शासन की स्पष्ट मंशा है कि पूरी ढंग से, पारदर्शी ढंग से, निष्पक्षता से परीक्षा हो और इसके आड़े जो भी आएगा, जो भी इसमें बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये सर, जो स्कूल के मालिक हैं या चेयरमैन जो भी हैं उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई? देखिए, चाहे कोई मालिक हो चाहे चेयरमैन हो, जिन लोगों की भी संलिप्तता इसमें है, प्रथम दृष्टया जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उनकी जो टीम है और जो लोग कमरे से अरेस्ट किए गए हैं, प्रथम दृष्टया टोटल अभी तक 26 लोगों के नाम सामने हमारे आए हैं और अभी हमारी विवेचना चल रही है। विवेचना में कुछ नाम अगर और आते हैं तो उनके नाम को हम लोग ऐड करेंगे। सर, डमी कॉपी के साथ साथ पत्र भी पकड़ा गया सर? जी, जो प्रश्न पत्र 15 प्रश्न पत्र थे वो फोटो कापी थी और कापियाँ थी जिसपे कि नंबर इरेज, नंबर नहीं लिखे हुए थे, इरेज कर दिए गए थे। क्या सर यूँ माना जा सकता है कि लीक हो गया पेपर? नहीं, पेपर लीक होने का मतलब ही नहीं, आप समझ सकते हैं कि 9:30 बजे मतलब जो इसमें मोडस अप्रेंडी है कि पेपर खुला केंद्र पर, वहाँ से फिर किसी तरह से उसकी फोटोकॉपी प्राप्त की गई, कापियाँ किसी तरह से वहाँ पहुँचाई गई, वहाँ लिखा है। पेपर लीक का मामला नहीं है, पेपर लीक का तो प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि 9:30 बजे के आसपास की घटना है। लेकिन कोई यहाँ पे नकल पकड़ी गई है? नहीं, इससे पहले नहीं पकड़ी गई है, लेकिन हमारी जो जाँच होगी उसमें इस पहलू पर भी हम ध्यान देंगे कि क्या इसके पहले भी इस तरह का कृत्य नहीं हुआ है। सर, कितने लोग इसमें हैं और कौन कौन लोग हैं? क्या सभी स्टूडेंट्स हैं या सॉल्वर्स हैं, किस तरह से? देखिए, जो 26 लोग उस कमरे में, जो कमरे में पाए गए हैं उसमें सॉल्वर हैं प्लस जो केंद्र के वहाँ के प्रिंसिपल हैं उनका नाम इसमें आ रहा है, बाकी कुछ और लोगों के नाम आ रहा है, वो विस्तृत विवेचना के उपरांत जो स्टूडेंट्स भी पकड़े गए हैं। निश्चित रूप से जो कापियाँ लिख रहे थे वो भी उसमें शामिल हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।